हाय एवरीवन, मैं हूं आपका फैमिली फिजियो जितेश शर्मा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 4 लेज़र या हाई पावर लेज़र के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कितनी तरह की लेज़र्स फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल होती हैं। जनरली दो टाइप की लेज़र्स फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। एक है लो लेवल लेज़र थेरेपी या क्लास 3B लेज़र, दूसरा है क्लास 4 लेज़र या हाई पावर लेज़र थेरेपी। हाई पावर लेज़र थेरेपी की अगर हम बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है 0.5 वॉट से ऊपर पावर क्लास 4 लेज़र में आते हैं, 0.5 वॉट पावर से कम वाली लेज़र्स क्लास 3B लेज़र्स में आती हैं। क्लास 4 लेज़र लेज़र रेडिएशन को 800 से 1100 नैनोमीटर की वेवलेंथ में इस्तेमाल करती है। जो 808 से 810 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है वो क्लास 4 लेज़र को हेल्प करता है डीपर टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करने में, और इसकी डेप्थ लगभग 5 सेंटीमीटर तक भी होती है। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लास 4 लेज़र। क्लास 4 लेज़र फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले सबसे इफ़ेक्टिव इक्विपमेंट्स में से है, और ये हेल्प करता है एक्यूट और सब एक्यूट पेन मैनेजमेंट। इसके 3 मेजर इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहला, रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेम टिश्यू है वहाँ जब हम क्लास 4 लेज़र अप्लाई करते हैं तो उस एरिया की इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। दूसरा है पेन रिलीफ। क्लास 4 लेज़र सबसे इफेक्टिव पेन रिलीफ मोडलिटी में आता है। जितने भी मस्कुलोस्केलेटल पेन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंडिकेशंस में, उनको कम करने में हेल्प करता है। तीसरा है एक्सेलरेट टिश्यू रीजनरेशन। जो टिश्यू इंजर्ड है उसकी हीलिंग को प्रमोट करने में क्लास 4 लेज़र हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं क्लास 4 लेज़र की इंडिकेशंस या किन किन कंडीशंस में क्लास 4 लेज़र का इस्तेमाल हो सकता है और वो हेल्प करता है पेन को कम करने में। इसमें लिस्ट में सबसे ऊपर मैं नाम लूँगा अर्थराइटिस, जिसमें अर्थराइटिस ऑफ नी, अर्थराइटिस ऑफ हिप, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, PIVD, डिस्क हर्निएशन या डिस्क स्लिप जिसे आप बोलते हैं, सियाटिका, और कॉमन कंडीशंस में है सर्वाइकल एंड लंबर रेडिकुलोपैथी, स्पोर्ट्स इंजरीज, लिगामेंट एंड टेंडन इंजरीज, और शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है मस्कुलोस्केलेटल जिसमें क्लास 4 लेज़र बहुत इफेक्टिव टूल है पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने। अब हम जान लेते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस है या ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान रखना चाहिए क्लास 4 लेज़र को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ आईज। अगर आप क्लास 4 लेज़र का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टिव गॉगल्स या स्पेक्टेकल्स पहनने चाहिए। वो इसलिए पहनने चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ क्लास 4 लेज़र लाइट आईज पर आपको नुकसान दे सकता है। दूसरा, कैंसर। ऐसे पेशेंट जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनका डायरेक्ट प्राइमरी कैंसर का पार्ट है या कहीं मेटास्टेसिस है, उसके ऊपर आपको क्लास 4 लेज़र नहीं करना होता। प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वूमन में आपको क्लास 4 लेज़र उस एरिया पे इस्तेमाल नहीं करना जहां वो लाइट जो फीटस है उसके ऊपर जाए। और सबसे लास्ट मैं बात करूंगा एपिलेप्सी। एपिलेप्टिक पेशेंट्स में कई बार फोटो सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से अगर क्लास 4 लेज़र का एक्सपोजर हो तो उन्हें एपिलेप्टिक एपिसोड आ सकता है। और मैं होप करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देगी क्लास 4 लेज़र या जो लेज़र हम इस्तेमाल करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में। इससे ज़्यादा क्वेरी के लिए आप इनबॉक्स के वे नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।